व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्यों चाहिए हमको, ठीक है ना? उनका यूज क्या है? यूजेज ऑफ शुगर लीड्स टू डायबिटीज एंड ऑबेसिटी। जो हम शुगर खाते हैं, शुगर होता क्या बेसिकली? ग्लूकोस ही होता है ना? ये शुगर होता क्या? सुक्रोस हो गया। सुक्रोस में ग्लूकोस और फ्रक्टोस होता है, मतलब एनर्जी। बेसिकली इसमें क्या होता है? एनर्जी, कैलोरीज होती है। तो अगर आप कैलोरीज खाओगे तो क्या होगा? जमा होगा, फैट जमा होगा बॉडी में, तो फिर उससे क्या होगा? मोटापा आ जाएगा या फिर डायबिटीज भी हो सकती है। ये शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या करते हैं? जो हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको तो एक्टिवेट कर देंगे वो, मतलब स्वीटनेस तो आपको फील होगा, पर वो मेटाबोलाइज होके आपके बॉडी में फैट के तौर पे जमा नहीं होते। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, शुगर तो मेटाबोलाइज हो जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ऐसा नहीं करते, बट स्वीटनेस वो टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट कर देते। समझ में आई बात? तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं ये ऑफन 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, शुगर से कई 100 गुना ज्यादा मीठे होते हैं, पर मेटाबोलाइज नहीं होते, टूटते नहीं है बॉडी में और कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, इसको सैकेरिन भी बोलते हैं, एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ये। 550 टाइम्स स्वीट है केन शुगर से, ठीक है? तो ये क्या होता है? इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अन चेंज्ड। ये बॉडी में से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है बिना मेटाबोलाइज हुए। कौन? सैकेरिन। इट अपियर्स टू बी इंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन। तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही हार्मलेस है जब इसको खाते हैं। तो बेटा तो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो फिर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है टंग के, एनर्जी में ब्रेक डाउन नहीं होता बस। नहीं, बट फिर उसकी वजह से स्टमक के अंदर या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाई इज द यूज ऑफ एस्पार्टेम लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स? एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, ये सिर्फ ठंडे खानों में या लिक्विड में ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको कोल्ड फूड्स या कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज कर सकते फिर इसको मेन हैं, रीजन क्या ही यूज नहीं करते? ठीक है? स्वीटनिंग एजेंट्स है, समझ में आ गई बात है? कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर इसको हीट कर दोगे तो अनस्टेबल है, टूट जाएगा। व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, गिव टू एग्जांपल्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दो एग्जांपल पूछे। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो फूड को स्वीट करने के काम आते हैं। हाउ एवर, अनलाइक नेचुरल स्वीटनर्स, दे डू नॉट ऐड कैलोरीज टू अवर बॉडी। पर जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे सुक्रोस हो गया, तो सुक्रोस हमारी बॉडी में कैलोरीज ऐड कर देगा, पर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैलोरीज ऐड नहीं करते। एग्जाम्पल, सुक्रालोस और एली टेन, दो एग्जाम्पल पूछे थे हमने, बता दिए। सुक्रालोस और एली टेन। नेम द स्वीटनिंग एजेंट यूज इन प्रेपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कौन सा स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करते हैं? सैकेरिन। ओके, याद रखना, सैकेरिन इज द स्वीटनिंग एजेंट यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, सैकेरिन। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस इन एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर? तो एनीटेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, तो उसको खाने से क्या प्रॉब्लम होती है ये पूछा गया है। खाने से प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसको, यूजेज में क्या प्रॉब्लम है? एनीटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर, ये ना 2000 गुना, अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स स्वीट होता है शुगर से। सोचो इतना मीठा आपकी चाय में आ जाए, पीवा उस चाय को, इतना मीठा, 2000 गुना ज्यादा मीठा, तो बहुत ही हाई पोटेंसी स्वीटनर है। इसलिए फूड की स्वीटनेस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जब इसको यूज करते ये सब हैं। भी एनिमिटी चाह पी ले।